बच्चों, कल हमने फाइल्स, रिकॉर्ड्स, फील्ड्स ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब नेक्स्ट आता है आपका डेटाबेस। डेटाबेस आपका क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ ऑल द फाइल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एन डेटाबेस। यानी कि भी किसी भी संस्था में जो आपके फाइल्स का कलेक्शन होता है वो आपका डेटाबेस कहलाता है। जैसे कि किसी टीचर की फाइल होती है ना, उसमें आपके स्टूडेंट की फाइल होती है, या फिर और कोई स्टाफ मेंबर भी है उसकी भी फाइल लगी होती है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या होती है? डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, तो इसमें नीचे आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो स्कूल का डेटाबेस होता है वो किस तरह से होता है, आपके स्कूल के डेटाबेस में क्या क्या होता है। तो आपके स्कूल के डेटाबेस में देखिए टीचर्स होती हैं, स्टूडेंट्स होते हैं और अदर स्टाफ भी होता है। ठीक, अब जैसे स्टूडेंट है तो उसमें स्टूडेंट का हर क्लास का है ना, क्लास वाइज पूरी डिटेल होती है। जैसे आपके रजिस्टर्स होते हैं वो मेंटेन हम करते हैं, तो वही चीज है इसमें कि आपके जो बच्चे जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके नेम, उनकी एज, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं? फील्ड होते हैं। ठीक है, और जो ये नाम होते हैं बच्चों के वो होते हैं रिकॉर्ड्स। ठीक, और जो फाइल होती है वो क्या होती है? स्टूडेंट वाली फाइल, यानी कि हम स्टूडेंट के फाइल में देखेंगे कि मान लीजिए इसमें दे रखा है विनीत, है ना, तो हम क्या करेंगे, विनीत नाम की फाइल में जाएंगे, तो उसमें जब हम एंटर करेंगे तो उसमें सारे उसके रिकॉर्ड होंगे। रिकॉर्ड मीन्स जैसे उसका नेम क्या है, एज क्या है, क्लास क्या है, रोल नंबर क्या है, ये सारी चीजें। ठीक, अच्छा, जो नेम और एज होती हैं तो वो उसमें बाइट की फॉर्म में स्टोर होती है कंप्यूटर में। ठीक है, और जो वो बाइट होती है वो बिट से मिलकर बनी होती है। सबसे नीचे आपका देखिए वो आपका एक बिट दिया हुआ है। ठीक, ये आपका कहलाता है डेटा हायरार्की। नेक्स्ट है ट्रबल शूटिंग टिप्स। देखिए, अब आप कंप्यूटर के सारे पार्ट्स और उनके काम के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो नॉर्मली अच्छे से परफॉर्म करता है, जितने भी उसमें फंक्शंस होते हैं, जितने भी काम्स होते हैं, जो काम होता है वो सबको पूरा करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसका कोई पार्ट अच्छे से काम नहीं करता है। जैसे कभी कभी हमारा माउस नहीं चल रहा होता है, कभी कभी स्पीकर नहीं काम कर रहा होता है। ठीक है, और कई बार तो हमारी डिस्प्ले ही नहीं आ रही होती है, डिस्प्ले यानी कि जो हम मॉनिटर में देखते हैं स्क्रीन। ठीक है, तो उन सब चीजों को दूर करने के लिए हमारे पास ट्रेंड पीपल होते हैं, ट्रेंड लोग होते हैं, है ना, जो ये काम करते हैं। तो जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं कंप्यूटर सिस्टम की, जब कोई कोई चीज कुछ अच्छे से काम नहीं कर रही होती है, तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने को ट्रबल शूटिंग कहते हैं। ठीक है, ट्रबल शूटिंग मतलब कि जो हमारे सिस्टम में कमी आ गई है, कि जैसे हमारा माउस प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, तो उस चीज को हम दूर करेंगे, उस चीज को हम देखेंगे कि कहाँ कमी है, क्या चीज खराब हो गई है। ठीक है, तो अब नीचे आपके कुछ ट्रबल शूटिंग की टिप्स दी हुई हैं, जो मोस्टली हमें पहले करके देखनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर आपका दिया है कंप्यूटर इज नॉट टर्निंग ऑन, अगर आपका कंप्यूटर टर्न ऑन नहीं हो रहा है, यानी कि ऑन नहीं हो रहा है कंप्यूटर, तो आपको क्या करना है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम पहले पावर कॉर्ड देखेंगे कि वो प्रॉपर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद हमें तीन कनेक्शन चेक करने होते हैं पावर सप्लाई के। सबसे पहले तो जो मेन स्विच से यूपीएस में जा रही होती है सप्लाई, उसको चेक करेंगे। ठीक है, कि जा रही है कि नहीं जा रही है, वहां पे जो आपका सॉकेट है वो कॉर्ड है वो प्रॉपर अटैच्ड है कि नहीं है। ठीक, उसके बाद एक कॉर्ड जाती है आपकी यूपीएस से सीपीयू में। ठीक है, फिर हम उसको देखेंगे कि वो प्रॉपर अटैच है कि नहीं है। उसके बाद यूपीएस से एक जाती है कॉर्ड आपकी मॉनिटर को। ठीक है, तो हम पहले इन तीनों की पावर सप्लाई चेक करेंगे। अगर कोई सप्लाई अच्छा चेक क्या करना होता है कि वो हमारे करेक्टली लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, कहीं ढीले तो नहीं है, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ये चीज हम चेक करते हैं। अगर आपका नेक्स्ट है कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग, अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो आप क्या करोगे? सेम है कि जो आपकी वायर है कीबोर्ड की, आपको ये देखना है कि वो सीपीयू में प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं है। अगर वो डिस्कनेक्ट हो रखी है या निकली हुई है तो हमें प्रॉपर उसको, या फिर लूज कनेक्शन है, ढीली पड़ गई है, तो हमें उसको फिर से टाइट करना होता है। नेक्स्ट है माउस इज नॉट वर्किंग, अगर आपका माउस सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या करना है? ठीक है, कैसे हम उसको ट्रबल शूट करेंगे? तो माउस के लिए भी सेम ही है, जो आपकी माउस वाली वायर है आपको वो चेक करनी है पीछे सीपीयू में प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं है। अगर वो डिस्कनेक्ट है या लूज है तो आपको वो टाइट करना है।
नो साउंड, यानी कि अगर साउंड नहीं आ रही है तो आपको जो स्पीकर्स की केबल्स हैं वो चेक करनी है कि वो सीपीयू से अटैच्ड है कि नहीं है, लूज तो नहीं है, है ना, अगर लूज है तो हमें उसको टाइट करना है इस तरह से। एक है आपका कंप्यूटर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। रिस्पॉन्ड नहीं करने का मतलब क्या है कि एक तरह से हैंग हो गया है सिस्टम, फिर आप क्या करेंगे? तो देखिए, जैसे कि हमने, आप मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो आपका सिस्टम है वो सडनली रुक जाता है, अचानक से रुक जाता है, जो आपने कमांड दी है उसमें एंटर किया तो वो एंटर नहीं हो रहा है, या किसी चीज पर आपने क्लिक किया तो वो क्लिक नहीं हो रहा है, इस तरह से वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है, आपको नॉट रिस्पॉन्डिंग आता है, तो ये जो कंडीशन होती है वो कहलाती है आपकी हैंग होना, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो कीबोर्ड माउस होते हैं वो रिस्पॉन्स करना बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो हमें क्या करना होता है उस समय पे, जैसे आपका आप फोन आजकल यूज करते हैं तो फोन में इतना डेटा हो जाता है हमारा कि इतना मटेरियल हो जाता है, पिक्सेल्स भी होती हैं, अपनी खुद की भी होती हैं, वीडियोस भी आती जाती रहती हैं, है ना, आपका जो काम हम भेज रहे हैं पीडीएफ फाइल के थ्रू, ये भी सब फोन में ही सेव होती हैं। तो एक ही मिनी कंप्यूटर ही तो कह सकते हो कि सारा काम आप आजकल आप फोन से ही तो कर रहे हो, है ना। तो कई बार क्या होता है हमारा फोन भी हैंग हो जाता है तो हमें कुछ चीजें इसमें से डिलीट करनी पड़ती हैं, है ना। तो डिलीट तो आप बाद में करते हो, लेकिन जब फोन हैंग होता है तो क्या करते हो, जो आपकी ऐप चल रही होती हैं, रनिंग एप्स जो होती है, आप उसमें से एग्जिट कर जाते हो, है ना, डायरेक्टली बाहर आ जाते हो, एक एक करके बैक नहीं करते हो, डायरेक्टली बाहर आ जाते हो। तो यही तरीके होते हैं, इसी तरह सेम कंप्यूटर का भी होता है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपकी रनिंग एप्लीकेशंस होती हैं, जो आप चल रही होती हैं एप्लीकेशंस, जिस आप एप्लीकेशन में, जिस ऐप में आप काम कर रहे हो, सबसे पहले आप उसको जाके क्लोज कर दोगे, ठीक। उसके बाद आप कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल की, ये तीनों आप एक साथ प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक स्क्रीन डिस्प्ले कर देता है कंप्यूटर पर। तो उस स्क्रीन में हमारा आता है, उसमें से हम स्टार्ट टास्क मैनेजर करके आता है, उसको चूज करता है, ठीक है। जब हम स्टार्ट टास्क मैनेजर को चूज करते हैं, फिर उसमें आता है द विंडोज टास्क मैनेजर, है ना, वो खुल के आता है। तो उसमें क्या होता है, जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं जो करंटली रन कर रही हैं, है ना, और जो नॉट रिस्पॉन्डिंग है, वो दोनों शो हो जाती हैं कि कौन सी नॉट रिस्पॉन्डिंग है और कौन सी आपकी रनिंग है, दोनों की दोनों शो हो जाती हैं। देखिए, जब हमने कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डेल की एक साथ प्रेस की तो हमारा कुछ इस तरह से ये विंडो ओपन होके आती है, जिसमें हमारा क्या है, बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। उसमें हमारा एक है स्टार्ट टास्क मैनेजर, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो फिर एक इस तरह की विंडो ओपन होती है, ठीक है। इस विंडो में फिर आपका जो भी ऐप आपकी चल रही है, ये सारी एप्लीकेशंस ही हैं, जो रनिंग ऐप है वो सारी ऊपर दी हुई है, और जो नॉट रिस्पॉन्डिंग है, जिसमें कोई प्रॉब्लम आई है, वो आपकी नॉट रिस्पॉन्डिंग वाली आ गई है, ठीक है। हमारा जब हम नॉट रिस्पॉन्डिंग वाले पे आते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करके नॉट रिस्पॉन्डिंग वाले को एंड टास्क दिया होता है नीचे, उसको क्लिक कर देते हैं, और उसके बाद हम अपना सिस्टम दोबारा से रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके इस चैप्टर में इतना ही दिया हुआ था, और बाकी हम एक्सरसाइज जो करेंगे वो हम कल करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये चैप्टर सुनना है और उसके बाद समझना भी है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करते हैं, जो बच्चे देख लेते हैं या जो हमारी वीडियोस देखते हैं तो उनको कमेंट बॉक्स में अपना नाम भी लिखना होता है, ठीक है। तो सब बच्चे ये काम जरूर करेंगे आज।